गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। लिंक शेयर कर दीजिए, ज्वाइन ज्वाइन हो जाइए। चलिए थोड़ा सा हम रिवीजन मारते हुए आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, देखिए है ना, मध्य प्रदेश में हमने प्रथम कुछ बातचीत करे थे। मध्य प्रदेश में प्रथम, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्यपाल, राज्यपाल मुख्य सचिव, मुख्य सचिव विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता विपक्ष, नेता विपक्ष, विपक्ष लोकायुक्त, लोकायुक्त ये कुछ देखे थे हमने, ठीक है क्या, है ना, ये कुछ हमने देखे थे, ठीक है। तो हमने ये कुछ देखे थे, ठीक है क्या, है ना, इतनी सारी बातें देखे थे। तो देखो मुख्यमंत्री में हमने ये देखे थे कि भाई मुख्यमंत्री कौन, तो पहले प्रथम मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री बोले तो मुख्यमंत्री कौन, रविशंकर शुक्ल, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, ओके। फिर इसके बाद में राज्यपाल हम देखे थे, राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल तो राज्यपाल पहले राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीता रमैया, पट्टाभी सीता रमैया। फिर भी मुख्य सचिव को एच एस कामत, है ना, एच एस कामत, ठीक है। फिर इसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष साहब कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष कुंजी लाल दुबे, कुंजी लाल दुबे, ओके। फिर इसके बाद में उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष में क्या लिखेंगे, विष्णु विनायक, विनायक सरबटे, सरबटे विष्णु विनायक सरबटे, विष्णु विनायक सरबटे। फिर इसके बाद में नेता विपक्ष में क्या देखे थे हमने, नेता विपक्ष, तो विपक्ष में क्या, विष्णु नाथ तामस्कर, विष्णु नाथ तामस्कर, तामस्कर, ठीक है। और लोकायुक्त पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित, क्लियर है क्या, चलिए यहां तक क्लियर दिख रहा है क्या आपको, हाँ किरण देखो क्लियर है क्या, क्लियर है, फर्स्टली ओके क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो लोग नए हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ओके ठीक है। फिर मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य डीजीपी, मुख्य डीजीपी, डीजीपी, मुख्य डीजीपी। फिर प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री,
ठीक है, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता, फिर चुनाव आयुक्त, ये में निर्वाचन लिखा था, निर्वाचन है ना, निर्वाचन आयुक्त, फिर इसके बाद में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, सूचना आयुक्त, ये भी हमने देख चुके थे, ठीक है। चलो क्लियर है क्या, जरा देखो, लिख के बताओ ना, क्लियर है स्क्रीन, क्लियर है क्या? आशीष, किरण, ओके, क्लियर है? आशीष, हाँ सर क्लियर है। किरण, आपके इधर क्लियर नहीं है, आज भी क्लियर नहीं दिख रहा आपको। विनय कुमार, ओके ओके ओके, विनय कुमार, ओके विनय कुमार, ओके चलिए ना। देखो भाई, मुख्य न्यायाधीश है ना, तो मुख्य न्यायाधीश हमने क्या देखे थे, मुख्य न्यायाधीश में, तो मुख्य न्यायाधीश में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है ना, तो जो मुख्य न्यायाधीश में हमने देखे थे एन हिदायतुल्ला, फिर इसके बाद मुख्य डीजीपी डीपी दुबे साहब, है ना, डीजीपी बहुत बड़े आदमी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, बीपी बढ़ना स्वाभाविक है, तो बीपी दुबे, प्रथम गैर कांग्रेसी, यहाँ पे लिख देता हूँ गैर, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री में हमने देखे थे बीरेंद्र कुमार सकलेचा, इसके बाद में महाअधिवक्ता एम धर्माधिकारी, फिर निर्वाचन आयोग, देखो नी है ना, तो इधर आंसर में भी नी आता है, निर्वाचन में क्या, लोहानी आया ना यहाँ पे, देखो नी है ना, निर्वाचन में लोहानी, क्या नाम है, एन वी लोहानी, फिर वित्त आयोग शीतला सहाय, और सूचना में देखो देखो बहुत सारी महिला जिनकी शादी में, तो हर एक महिला जिनकी शादी में होती, सुश्री लिखते हैं कि नहीं, ठीक है, तो श्रीवास्तव, तो पूरा नाम क्या है, टी एन श्रीवास्तव, क्लियर है? चलो क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को बताओ जरा क्लियर है क्या करके। आशीष, किरण, अब कैसा है, ठीक है? बिना एक बार और लिख के बताओ, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके किरण, हाँ सर क्लियर है, ओके ओके ओके, थैंक यू, ओके है ना। अब हमने प्रथम महिला देखे थे, है ना, इसके बाद में प्रथम मध्य प्रदेश प्रथम महिला, ठीक है ना, महिला के बारे में भी देख लिए थे, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, मुख्य सचिव, ठीक है, फिर इसके बाद में नेता विपक्ष, ठीक है, आदिवासी राज्यपाल, फिर न्यायाधीश, है ना,
उसके बाद में आईएएस आईएएस आईपीएस देखे थे ये, ठीक है चलिए बताइए। हाँ तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री में कौन, तो महिला मुख्यमंत्री में उमा भारती, आंसर क्या है उमा भारती, उमा भारती। ओके ठीक है। राज्यपाल, अब राज्यपाल में क्या, राज्यपाल में क्या बनेंगे, ठीक है सरला ग्रेवाल, सरला ग्रेवाल, सरला ग्रेवाल, ओके सरला ग्रेवाल। इसके बाद में मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव में क्या, मुख्य सचिव में क्या बोलेंगे निर्मला बुच, निर्मला बुच, ओके निर्मला बुच। इसके बाद में नेता विपक्ष कौन, जमुना देवी, जमुना देवी, कौन सी देवी, जमुना देवी है ना, ठीक है जमुना देवी। फिर इसके बाद में आदिवासी राजपाल उर्मिला सिंह, उर्मिला सिंह, ओके उर्मिला सिंह। न्यायाधीश, तो भाई सरोजिनी सक्सेना, सरोजिनी सक्सेना, सरोजिनी सक्सेना। आईएएस है ना, यहाँ पे अन्ना जॉर्ज नहीं है ना, ठीक है आईएएस कौन है भैया, निर्मला बुच, निर्मला बुच, निर्मला बुच। और आईपीएस है ना, यहाँ पे किरण बेदी नहीं है ना, आशा गोपालन, आशा गोपालन, गोपालन, आशा गोपालन। ओके चलिए है ना क्लियर है, जो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ जाए, चलो उससे बता, उससे पहले बता दो क्लियर है क्या। रिपीट नहीं कर रहे, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, डिवीजन हो गया, आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है विनय बता दो क्लियर है। किरण, क्लियर है, आगे बढ़िया है। ओके विनय, ओके 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 आगे हम बढ़ रहे हैं भैया, और अच्छा दिख रहा होगा आपको। ठीक है आगे हम नदियों के बारे में देख रहे हैं, नदियों के बारे में, ओके नदियों के बारे में देख रहे हैं। तो नदियों के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका ना मध्य प्रदेश है ना, इस गोले में मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश है, ठीक है क्या है ना, इस गोले में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ये मध्य प्रदेश है। इस गोले में थोड़ा सा और नीचे से मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है हाँ इस गोले में भी मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है क्या ये अमरकंटक, ठीक है। अब देखिए भी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में नदियां, मध्य प्रदेश में नदियां हम देख रहे हैं, ठीक है क्या मध्य प्रदेश में नदियां, ओके है ना। और नदियों में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अमरकंटक है, और अमरकंटक से ना तीन प्रमुख नदियां निकली है, सब लोग ध्यान से देखिएगा है ना, ठीक है तीन प्रमुख नदियां अमरकंटक से निकली है, ठीक है। तो अमरकंटक से तीन प्रमुख नदियां निकली है, तो कौन कौन सी निकली है, नर्मदा, सोन और जोहिला, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है क्लियर है आपको, ठीक है नर्मदा, सोन और जोहिला, तीनों आपको क्लियर है। देखो नर्मदा, सोन और जोहिला क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको अभी देखना है नर्मदा नदी के बारे में, और नर्मदा नदी देखो भाई ऐसे करके देखो है ना, ऐसे करके है ना, ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में जाके गुजरात में जाके ये है ना कहाँ पे गिर जाती है, अरब सागर में, कहाँ पे गिर जाती है, अरब सागर, ठीक है
है ना, अरब सागर में ये करी जाती है। तो ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, अब हम नर्मदा नदी को देख रहे हैं, तो नर्मदा नदी का अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम, ठीक है, तो अन्य नाम में हम क्या बोलेंगे, है ना, अन्य नाम में नामोदास, मेकल सुता, ठीक है, क्या है ना, नामोदास, मेकल सुता, और तीसरा नाम है रेवा। क्लियर है, लिख देता हूं मैं, नामोदास, ठीक है, नामोदास, मेकल सुता, मेकल सुता, ठीक है, और रेवा, ठीक है, तीनों नाम क्लियर हो गए आपको। ठीक है, नामोदास, मेकल सुता, और ठीक है, नामोदास, मेकल सुता, है ना, नामोदास, मेकल सुता और रेवा। आगे बढ़िया, ठीक है, अब इसके बाद में अन्य नाम हो गया, फिर अन्य नाम के बाद में हमको क्या देखना है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 कितना, 1312 कितना किलोमीटर है, 1312, ठीक है, और एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, तो एमपी में कितनी है, 1077, एमपी में कितनी लंबाई इसकी, 1077 किलोमीटर में। क्लियर है यहां तक क्या, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1077 है एमपी में, देखो यहां से यहां तक एमपी में कितनी, 1077, और पूरी लंबाई बोले तो 1312 किलोमीटर है। ठीक है, अब भैया इसकी सहायक नदियां है ना, कुछ सहायक नदियां है, तो सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां है, तो पहले तो हमको याद रखना है 41 सहायक नदियां है, 41 इसकी सहायक नदियां है, ठीक है क्या। चलो, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उन्हें लिंक फटाफट शेयर कर दो, ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, हाँ चलिए, अब शेयर कर दिए, चलिए देखिए इधर देखिए, ठीक है, सहायक नदियां, तो सहायक नदियां कितनी, टोटल सहायक नदियां नर्मदा की है 41, ठीक है क्या, 41, तो क्या हो गया है ना, देखो भाई ये मेरा, ठीक है ना, दाया हाथ है और ये मेरा बाया, तो मैं इधर साइड से मान लो, है ना, इधर साइड से मैं ले लेता हूँ, ये बाया है मेरा, तो है ना, इधर साइड बाया, तो बाएं से ना कितना, 22, बाएं से कितनी, 22, देखो बाएं से 22 और दाएं से कितनी है, 19 नदी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना भी, बाएं से 22 आपको याद रखना, बाएं जैसे बाएं जाए तो 22 तो आ जाएगा, बाकी 19 बची, ठीक है ना, ठीक है, तो बाएं जैसे बाई ओर से, तो बाई ओर से 22, बाई ओर से 22, बाई ओर से 22, और ये भाई अपना 19, बाकी 19 बची, ठीक है क्या, दाई ओर से कितनी बहेगी, है ना, दाई ओर से नर्मदा में जो मिलती है वो 19, और बाई ओर से जो नर्मदा मिलेगी वो कितनी है, 22। क्लियर है यहाँ तक, ओके, ठीक। इसके बाद में आगे मैं बढ़ जाता हूँ, इनमें से प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इनमें से प्रमुख नदियां कौन कौन सी, उसके पहले मेरे को लिखकर पहुंचा दो, क्लियर रहने कर गए, क्लियर है सबको, विनय, संदीप, किरण, क्लियर है कि यहां तक स्क्रीन क्लियर है, समझ में आ रहा है, फास्टली विनय क्लियर है, आशीष क्लियर है, गुड गुड, ठीक, ओके ओके, क्लियर है ना, तो क्लियर है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, इसके आगे से हम देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, अब इसकी सहायक, प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी, तो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो प्रमुख सहायक नदियां मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, प्रमुख सहायक नदियां मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्रमुख सहायक नदियों में यदि हम बात करें, प्रमुख सहायक नदियों में यदि हम बात करें, तो प्रमुख सहायक नदियों में है ना, ऐसा करते हैं कि भाई एक फ्रेंड रहता है, एक शेर, कौन हो गया, शेर, और उसका फ्रेंड कौन रहता है, हथनी, ठीक है, जब हथनी ना शेर के घर में जाती है ना, जब हथनी शेर के घर में जाती है, तो बताओ वो उसके लिए क्या करते हैं, तवा लगाते हैं, तवा है ना, तवा में क्या करते हैं, दूध डालते हैं, तवा में क्या करते हैं, दूध डालते हैं, ठीक है, फिर दूध में क्या डाल दिए, शक्कर, दूध में क्या डाल दिए, शक्कर, ठीक है, हाँ, देखो तवा लगाए है ना, फिर उसमें शक्कर है ना, पहले दूध, फिर क्या डाल दिए, शक्कर, ठीक है, और हथनी को दे दिए, और उनमें बोले कि भाई मैं तो ये शाकाहारी वाला नहीं लेता, मैं अपने लिए बंजर जमीन में जाता हूँ, बंजर वाली जमीन में जाता हूँ, और वहां से मैं हिरण पकड़ के लाता हूँ, हिरण पकड़ के उन्होंने ला लिए,
सबसे पहले क्या हुआ कि भाई दो दोस्त रहते हैं, एक तो शेर और एक तो हथनी, ठीक है। तो हथनी शेर के घर में आती है, तो शेर उसकी पहुनाई करता, कैसे पहुनाई करता है ना, क्या करता है, तवा लगाता है, तवा में क्या दूध डाला, दूध में क्या डाला, शक्कर, है ना, और फिर वो हथनी को दे देता है। परंतु अपने लिए वो बंजर जमीन पे जाता है और वहां से क्या लेके आता है, बंजर जमीन में से क्या हिरण पकड़ के लाता है, क्लियर है, है ना, बंजर जमीन में गया वो और वहां से हिरण पकड़ के लाता है, क्लियर है यहां तक, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये सहायक नदी होगी, मैं पूरी सहायक नदी आपको लिख दे रहा हूँ नाइन से, तो सहायक नदी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको शेर, ठीक है, उसकी जो फ्रेंड थी वो कहती हथनी, ठीक है, शेर हथनी, फिर वो है ना, ये क्या करते हैं शेर, क्या करते हैं तवा लगाते हैं, है ना, तवा, फिर दूध यानी दूधी नदी, दूधी नदी, है ना, ठीक है, फिर इसके बाद में दूधी, है ना, शेर हथनी तवा दूधी, और दूधी के बाद में क्या शक्कर, ठीक है, शक्कर, और फिर शक्कर में क्या वो बंजर जमीन पे जाते हैं, और बंजर जमीन पे जाने के बाद में क्या पकड़ लेते हैं, हिरण, ठीक है, क्या हिरण, क्लियर है आपको। तो इतनी सारी सहायक नदियां हमारी, तो 41 सहायक नदियां पड़े, परंतु उसमें से हमने कुछ गिनी चुनी पढ़ ली, ठीक है, शेर हथनी तवा दूधी शक्कर बंजर और हिरण, ओके, आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद में ये सहायक नदी 41 में से कुछ हमने नाम देखने के बाद में अब हम आगे बढ़ रहे हैं विशेषता, है ना, विशेषता हम देख रहे हैं, तो विशेषता हम देख रहे हैं, तो विशेषता में क्या बोलेंगे हम, विशेषता में ये बोलेंगे, देखो हमको देख ही रहा है ये कौन सी पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक है ना, देखो इधर साइड में दिशा कौन सी है, पश्चिम, तो पहली विशेषता में हम क्या बोलेंगे, पश्चिम की ओर बहती है, पहली विशेषता पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, है ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी या पहली सबसे बड़ी नदी, है ना, ठीक है, क्या, है ना, ये सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक लंबाई वाली नदी में हम क्या बोलेंगे, है ना, सर्वाधिक लंबाई वाली नदी हमारी कौन सी है, नर्मदा, ठीक है, सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी, है ना, सर्वाधिक लंबी है ये, ठीक है, कि सर्वाधिक लंबी, क्लियर है यहाँ तक, सर्वाधिक लंबी है और पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, सर्वाधिक लंबी है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरी विशेषता में क्या, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, अभी तो आप ध्यान रख लो एस्चुरी क्या, एस्चुरी क्या होता है, फिर मैं अगली क्लास में आपको एस्चुरी डेल्टा ये सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या, ठीक है, तो एस्चुरी बनाती है, ठीक है, क्या, अब देखो भाई यहाँ पे ना एस्चुरी के, एस्चुरी तो इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में और क्या क्या नाम है, मुहाना, मुहाना, ठीक है, मुहाना, या फिर क्या आएगा, ज्वार नद मुख, है ना, ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, ठीक है, मुहाना, ज्वार नद मुख, है ना, ज्वार नद मुख, इसके बाद में ज्वार नद मुख, है ना, मुहाना भी हो गया, ज्वार नद मुख भी हो गया, सकरी खाई, है ना, इतनी सारी विशेषता आती है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, सकरी खाई में बहती है, सकरी खाई, भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश, ठीक है, भ्रंश घाटी, है ना, या फिर ऐसा भी आता है, अपभ्रंश घाटी, अपभ्रंश घाटी में बहती है, ना, या इन दोनों में ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, क्लियर है क्या, रिफ्ट वैली, ठीक है। देखो भाई एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का हिंदी में नाम क्या है, मुहाना, और भी क्या बोलते हैं, ज्वार नद मुख, या ऐसा बोलते हैं नर्मदा, सकरी खाई में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, अपभ्रंश घाटी में बहती है, या इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में विशेषता ये हमने देख ली, ठीक है, है ना, फिर इसके बाद में जलप्रपात, है ना, इसके बाद में कौन कौन से यहाँ पे जलप्रपात है, तो जलप्रपात हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, तो जहाँ पे जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात, यदि हम जलप्रपात की बात करें, है ना, तो जलप्रपात की बात करें तो कपिल धारा और दुग्ध धारा, कौन सा जलप्रपात, कपिल धारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, कपिल धारा, कपिल धारा और दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, है ना, कपिल धारा और कौन सी, दुग्ध धारा, है ना, कपिल धारा और कौन सी, दुग्ध धारा, कपिल धारा और दुग्ध धारा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, फिर और आगे बढ़े तो क्या आता, धुआंधार,
धुआंधार, ठीक है, धुआंधार है ना, कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, और इसके बाद में धुआंधार के बाद में कौन सा, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा, ठीक है। फिर मंधार और दर्दी, मंधार और दर्दी, दर्दी मंधार और दर्दी, ठीक है क्या। चलो तो आपको पता होगा कि भाई ये दोनों जो है कपिल धारा और दुग्ध धारा ये कहाँ पे है, भाई अमरकंटक में ही है। कहाँ पे है ये, अमरकंटक में, ठीक है। ये कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों कहाँ पे है, अमरकंटक, ठीक है, ये अमरकंटक में है, अमरकंटक, ठीक है। अब इसके बाद में धुआंधार, तो धुआंधार बड़ा प्रसिद्ध है, ये जबलपुर में है, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में, ये कहाँ पे, जबलपुर में। इसके बाद में सहस्त्र धारा, तो जो सहस्त्र धारा है ना वो कहाँ, महेश्वर में है, महेश्वर में। अच्छा सब लोग कमेंट करके बताओ, मतलब महेश्वर कहाँ, कमेंट करके बताओ महेश्वर कहाँ पर है, महेश्वर, महेश्वर कहाँ पर करके, महेश्वर कहाँ पर है करके, चलिए महेश्वर कहां पे आता है, महेश्वर, ओके, महेश्वर खरगोन, गुड गुड गुड, महेश्वर कहां पे है, खरगोन, महेश्वर खरगोन में, ओके 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 ओके, खरगोन है ना, ठीक है। तो महेश्वर कहां पे आता है, तो महेश्वर में क्या बोलेंगे हम, खरगोन, गुड, ठीक है। फिर मंधार और दर्दी है ना, ये मंधार और दर्दी दोनों कहां पे, मंधार और दर्दी, ठीक है, ये ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर में। फिर क्या होता है, ये आपको जलप्रपात समझ में आ गया। फिर ना नदी आगे बढ़ती है ना, और आगे बढ़ती है, और फिर अभी हम समागम में यहाँ पे बोलेंगे समागम, समागम, तो समागम क्या कहाँ पे होता है, खंबात की खाड़ी, ठीक है, कि खंबात की खाड़ी है ना, और ये खंबात की खाड़ी यदि ऑप्शन में नहीं रहा तो फिर अरब सागर रहता, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, खंबात की खाड़ी और ये अरब सागर है ना। तो अच्छा दोनों ऑप्शन में रहे तो फिर हम पहले खंबात की खाड़ी लगाएंगे, और फिर है ना यदि ऑप्शन में नहीं रहे तो फिर अरब सागर लगाएंगे, क्लियर है क्या। देखो भाई दोनों पहले क्या, खंबात की खाड़ी लगाएंगे, यदि खंबात की खाड़ी नहीं तो फिर क्या लगाएंगे, अरब सागर। खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात, ठीक है क्या, कहाँ पे है, गुजरात में, क्लियर है, ओके चले, क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक, ओके ओके ओके, चलो किरण अभी क्लियर है क्या आपको, विनय, आशीष, अरे क्लियर है तो लिखो, क्लियर है, आगे बढ़ता हूं मैं, लिख टाइप करके बताओ जल्दी से, फास्टली फास्टली, किरण, विनय कुमार, क्लियर है, ओके 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 ओके, ठीक है चले। ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में अब हम दूसरी बड़ी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी नदी कहाँ पे, ये चंबल नदी है ना, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी, चंबल नदी, कौन सी नदी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है कौन सी, चंबल नदी, ठीक है क्या। अब देखो भाई चंबल नदी है ना, चंबल नदी इस प्रकार से निकलती है, और ये देखो मध्य प्रदेश की कुछ नक्शा है इस प्रकार से है ने, और फिर ना यहाँ से ना भिंड मुरैना और ऐसे यूपी तरफ ये चल जाती है। देखो तो हम पहले तो देख रहे हैं उद्गम है ना, चंबल नदी निकली कहाँ से, उद्गम कहाँ से होता है इसका उद्गम, तो चंबल नदी का उद्गम जो होता है जाना पाओ की पहाड़ी महू इंदौर से, ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ, जाना पाओ पहाड़ी महू, और ये महू कहाँ पे, इंदौर,
इतनी बातें क्लियर है क्या आपको? ठीक है, देखो भाई है ना, जो चंबल नदी है वो जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है जो कि महू इंदौर में आता है। क्लियर है? अब देखो भाई, चंबल का अन्य नाम है क्या? तो अन्य नाम में क्या बोलेंगे? अन्य नाम में चरमवती, इसी से नाम से मैच कर लेता है। चंबल में बोलेंगे चरमवती, अन्य नाम क्या है? चरमवती। ओके अच्छा, फिर इसके बाद में भी है ना, इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई 965 किलोमीटर। ओके है ना, 965 किलोमीटर लंबाई में, 965 किलोमीटर। अन्य नाम में क्या बोलेंगे? चरमवती, चरमवती। ठीक है, चरमवती। इसके बाद में है ना, 965 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में 965 लंबाई हो गया। अब इसका प्रवाह क्षेत्र, जो प्रवाह क्षेत्र होता ना, तो वो कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ तक तो हमको एमपी दिख ही रहा है ना, ये सब ये क्या है? एमपी की बात है। तो प्रवाह क्षेत्र में क्या बोलेंगे? एमपी। फिर देखो भाई, ये एमपी से ऊपर भी जा रही, तो यहाँ क्या है? राजस्थान। तो यहाँ बोल देंगे राजस्थान। ठीक है, फिर राजस्थान के बाद में ये देखो फिर से कहाँ पे आ गई? एमपी में टकरा गई एमपी। फिर भी एमपी से टकराने के बाद में ये कहाँ आ गई? यूपी में आ गई यूपी। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है कि भाई एमपी, राजस्थान और यूपी तीन राज्य है। ये एमपी तो ये गई है ना, ठीक है ना, देखो एमपी, ये राजस्थान और यूपी, ये तीन राज्यों से प्रवेश करते हुए निकलती है। अच्छा, अब देखो भाई यहाँ पर ना विशेषता में क्या बोलेंगे हम? विशेषता है ना, विशेषता, विशेषता में ये बोलेंगे है ना, मध्य प्रदेश में दूसरी बार एंटर करने वाली नदी, मध्य प्रदेश में यानी फिर से प्रवेश करने वाली नदी। देखो मध्य प्रदेश से ये देखो निकल गई है, निकल गई, फिर से ये मध्य प्रदेश में यहाँ पे प्रवेश कर दी ना, मध्य प्रदेश में फिर से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? तो ये विशेषता में हम बोलेंगे चंबल नदी, है ना, चंबल नदी। पहली विशेषता क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश में दूसरी बार यानी फिर से एंटर करने वाली नदी। फिर इसके बाद में दूसरी विशेषता क्या है ना, देखो इंटर करने वाली नदी, दूसरी बार इंटर करने वाली। फिर दूसरी विशेषता में क्या लिखेंगे? जल विद्युत, है ना, जल विद्युत, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ जल विद्युत, जल विद्युत परियोजना सबसे पहले कौन सी नदी पे चालू हुई? तो चंबल नदी पे। जल विद्युत परियोजना सबसे पहले कौन सी नदी पे चालू हुई? तो क्या बोलेंगे हम? चंबल नदी। ओके, सब लोग लाइक कर दो, अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो, और क्लियर है क्या अभी? देखो ओके, बिना डाकू की शरण स्थली, ओके ओके, डाकू की शरण स्थली इसको बोलते हैं। ओके ओके, किरण क्लियर है कि? जरा बताओ जरा लिख के फास्टली। विनय कुमार, आशीष, ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है आप लोगों को, और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? तो अच्छा, तीसरी विशेषता क्या बोलेंगे हम? तीसरी विशेषता क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी, है ना, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, है ना, दूसरी सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है क्या? हाँ, और लंबाई तो हमने देख ली है, लंबाई कितनी? 965। लंबाई कितनी? 965। फिर इसके बाद में चौथी भी क्या करती है? बीहड़ों का निर्माण करती, बीहड़ों, है ना, बीहड़ों का निर्माण करती, यानी गहरे गहरे गड्ढे बनाती है, और इसको क्या बोलते हैं? बीहड़ों का निर्माण करती है, या ऐसा भी मृदा अपरदन करने वाली, अपर अपरदन, है ना, या गहरी गहरी गड्ढे बनाती है, गहरे गहरे गड्ढे बनाती है। अब देखो भाई, गहरे गहरे गड्ढे या मृदा अपरदन के कारण ना यहाँ पर ना भाई बड़ी बड़ी खाइयां बन गई, बड़ी बड़ी खाइयां बन गई है। तो यहाँ पर ना इसको ना पांचवी बात में हम क्या बोलेंगे? पांचवी बात में ये बोलेंगे कि भाई ये क्या हो गया है? डाकुओं की, डाकुओं, या फिर उनकी भाषा में डाकू, उनकी भाषा में बोलते हैं दस्युओं, दस्युओं की शरण स्थली, शरण स्थली, है ना, यानी कौन सी नदी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, या डाकुओं की या दस्युओं की शरण स्थली है? तो आपको क्या बोलना है? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। क्लियर है यहाँ तक? चंबल नदी डाकुओं की शरण स्थली। अब इसका समागम, अभी हम समागम में बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। तो भाई इसका समागम कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो आपको बोलना है भाई, है ना, चंबल नदी किसमें मिल जाती है? यमुना में।
यमुना नदी में। क्लियर है इतनी बातें? क्या यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। अब भी इस नदी पे ना कितने तीन बांध बने, कितने बांध बने हैं, तीन बांध बनाए गए इस नदी पर, ओके। क्या तीन बांध बनाए गए, तो कौन कौन से तीन बांध बनाए गए उसको ऐसे याद रखते हैं, गाजर, 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 ठीक है। गाजर इसका मतलब क्या है, गांधी सागर, गांधी सागर। फिर इसका मतलब क्या, जवाहर सागर। फिर इसका मतलब क्या, राणा सागर, राणा सागर, ठीक है। क्या देखो, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, ये तो भी मध्य प्रदेश में है और ये दोनों राजस्थान में, क्लियर है, ओके। चलिए ये समझ में आ गया तो बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। फर्स्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए आज हम दो नदियों को देख पाए हैं, और नर्मदा नदी और चंबल नदी, दो नदियों को। कल से नदियों को हम और भी कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिए, और कल हम नदियों को और भी आगे लेकर चलेंगे, ओके। थैंक यू।